अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ साहब, आप किस जगह से तशरीफ लाए हैं आप? बेसिकली हम आए हैं गुजरात से, लेकिन हम रहते हैं इंग्लैंड में, है यूके तो में। आपका आस्ताने आलिया पत्रेटा शरीफ किस सिलसिले में तशरीफ लाना हुआ? ये मसला है कि हम अप्रैल में आए थे पाकिस्तान में, और मसला था कि इसको दिसंबर में हुआ था, अटैक हुआ था, फालिज का अटैक हुआ था, और इसको हार्ट का भी प्रॉब्लम था। क्या लगते तो हैं आपके, मेरी मिसिज है, तो कितने अरसे से इनके साथ ये इशू चले जा रहे ये इनके साथ दिसंबर से थे, लास्ट ईयर दिसंबर के इनके साथ मसला चल रहा था। तो डॉक्टर्स क्या कहते थे, क्या मसला है डॉक्टर इनका? ने बोला कि ये अभी ये इसी तरह ही रहेगी, डिसेबल ही रहेगी। सही, ये अभी व्हीलचेयर पे हम आए थे, इधर ठीक है। पाकिस्तान में आए थे तो व्हीलचेयर पे आए थे, फिर इधर मैंने पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में डॉक्टर से इलाज करवाया इनका। उधर मेजर नईम साहब हैं, मेजर जनरल नहीं, उनसे, नईम खान साहब से, उन्होंने भी ट्रीटमेंट किया इनका, तो कोई फर्क नहीं था पड़ा। फिर सही, हाँ जी, तो उसके बाद फिर हमने, उम्मीद तो नहीं थी कि ये ठीक होगी, लेकिन उसके बाद फिर हमने गुजरात में भी अपना, उधर जो लोकल बंदे हैं वहाँ से भी करवाया, लेकिन कुछ नहीं फिर फर्क पड़ा। फिर हमने यूट्यूब पे आपका ये देखा था, पीर साहब का देखा, पटियाला शरीफ वालों का, फिर हम इधर, हमारा ये तीसरा हफ्ता है। तो आप जब अस्ताने लिए पत्रेटा शरीफ तशरीफ लाए तो पीर साहब ने क्या बताया, कैसे इलाज किया? जो लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, आप क्या उनको बताना चाहेंगे, कैसे आपका इलाज हुआ? लोग जो देख रहे हैं, ये तो आपके सामने ही है, अभी आप इनको उठा के देखें, ये व्हीलचेयर पे थी, अभी ये माशाल्लाह चलती भी है। पहले वीक में उन्होंने, पी साहब ने बुलाया था, हमें बोला था कि 6 वीक इनका इलाज होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र आज हमारा तीसरा वीक है, और ये तीसरे वीक में अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि बिल्कुल ठीक है, इस बिल्कुल ही ठीक है। ये मेंटली तौर पर भी इसको प्रॉब्लम था, जो भी जिन्नात का मसला था, वो पीर साहब ने तीसरे दम में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो पटियाला शरीफ से हमें जो है ना, वो बहुत सारा अल्लाह ताला ने हमें जो है ना फैज दिया है इस सिलसिले क्या में। नाम है हम आपका? सफरीना, तो कितने अरसे से आप इस मसले में मुब्तला थी? दिसंबर 2020। तो क्या फीलिंग होती थी जब बीमार थी? वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि चल नहीं सकती, बच्चों को ध्यान नहीं कर सकती थी, तो उसके बाद फिर मुझे अटैक भी होते थे एपिलेप्सी के, वो भी माशाल्लाह ख़त्म हो गया। जो लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, आप उनको अस्ताने वाली पत्रेटा शरीफ के मुतालिक क्या पैगाम देना चाहेंगी? कि इधर आए और पीर साहब से अगर कोई मसला हो, इधर काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे, और इंशाल्लाह आपको भी पड़ेगा। जिस हालत में मैं आई थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मैं कभी सही होंगी ज़िंदगी भर, और माशाल्लाह आप अभी थोड़ा चल के देखें, चलने में कोई आपको दुश्वारी पेश तो नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलती हूँ, कोई दौरे नहीं पड़ते। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको शफा दी, अल्लाह ताला आपको मजीद आपको शफा अता फरमाए। तो जो इलाज के सिलसिले में आपने अस्ताने वाली पत्रेटा शरीफ कोई पैसे की डिमांड हुई, कैसे इलाज है, क्या बताना चाहेंगे आप? हमने We किसी को didn't भी pay no पैसे, money, we didn't give anyone anything, we just came here and we just got dumped on. That's So you need to tell them how you feeling about it. I feel much better. When I first came, I didn't want to see anybody. I didn't believe in any of this. But after every week, there was always a change in me and my आप friends. 100 में से कितने परसेंट अपने आप को ठीक फील कर रही हैं? अभी 90%, अभी तीसरा हफ्ते में 90% हूँ, और मुझे काफ़ी वो इसके मिला। अलावा आप रवानी इलाज के सिलसिले में भी कहीं और भी दम कराया? हाँ जी, हमने जी करवाया उधर गुजरात में भी करवाया हमने, सही। वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, यानी कि कितनी फर्क दफ़ा आप नहीं। वहाँ पे तशरीफ लेके गए हैं? हमने 3-4 दफ़ा वहाँ पे गए हैं, लेकिन हमें पता चला उस वहाँ पे, जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे और प्रॉब्लम हो गया था उन्होंने, यानी कि वो जो मामला थे इनके साथ, वो जो जिन्नात का मसला था इनके साथ, उन्होंने ज़्यादा जो हमारे मामला थे वो ख़राब कर दिए थे। ये तो इसकी इस तरह की कंडीशन थी कि ये शी ट्राई टू सुसाइड थ्री फ्यू फ्यू टाइम, सो शी इज़ बेटर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको मजीद शफाए कामला इलाज अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।